इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे बूम एयरड्रॉप के बारे में। इसकी कुछ नई अपडेट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके टूर्नामेंट के बारे में बताया था कि आप जो है यहाँ पे इसके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके अपनी जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पे आप कर सकते हो, और इसका जो बूम टोकन है वो आप यहाँ पे अर्न करके उसको आप यहाँ पे स्वैप करके अपना जो विड्रॉ है वो यहाँ पे ले सकते हो। अब काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई इसमें हमने जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पे कैसे करनी है, तो हमें जो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में ये बताएं कि कैसे हम जो है यहाँ पे इसके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे हम जो है यहाँ से जो इसका बूम टोकन है वो यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से लोग जो है वो इसकी लिस्टिंग के बारे में पूछते हैं कि भाई इसका जो टोकन है कब लिस्ट होगा, तो ये भी मैं आपको इसी वीडियो में जो है वो बताने के लिए जा रहा हूँ। और इसकी प्राइस जो है वो भी आपको इसी वीडियो में जो है वो बताऊँगा, एक टोकन की कितनी प्राइस होगी वो भी आपको अभी यहाँ पर मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले देखो, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि बाकी इसकी जो भी अपडेट वगैरह होगी तो वो मैं आपको टेलीग्राम में जो है वो बता दूंगा। टेलीग्राम को लाजमी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसकी लिस्टिंग की, विड्रा की और इस हवाले से बाकी जो भी इसकी न्यू अपडेट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम में जो है वो बताता रहूंगा। अगर आपके पास जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो काम ना करे, आपने टेलीग्राम में जाके सर्च करना है अर्न पे 02। जैसे आप टेलीग्राम में जाके सर्च करोगे अर्न पे 02, तो ये जो टेलीग्राम का चैनल होगा वो आपके सामने आ जाएगा, इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई कैसे आप इसके ट्रेडिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो नीचे देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे ट्रेडिंग का ऑप्शन। जब आप यहाँ पे ट्रेडिंग के ऊपर टैप करोगे तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो कुछ यहाँ पे टूर्नामेंट्स हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं। अगर आप इन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे तो आप जो यहाँ से इसका जो बूम टोकन है वो आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। कैसे अर्न करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे कुछ टूर्नामेंट जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो, अगर आप इस टूर्नामेंट में यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे तो आपको यहाँ पे स्टार मिलेंगे, यानी कि बूम टोकन जो है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसी के साथ देख सकते हो यहाँ पे, अब ये जो यहाँ पे टूर्नामेंट है वो यहाँ पे लाइव चल रहा है और इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो इसमें भी आपको यहाँ पे स्टार मिलेंगे। नीचे आप जो यहाँ पे जो इसका प्राइस पूल है वो यहाँ पे देख सकते हो। अब आपने सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्टार होंगे वो यहाँ पे अर्न करने हैं। जब आपके पास यहाँ पे स्टार होंगे तो ही आप यहाँ पे जो बूम टोकन होगा वो यहाँ पे अर्न कर पाओगे। अब कैसे आपने यहाँ पे स्टार अर्न करने हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे बूम टोकन का यहाँ पे टूर्नामेंट, ठीक है। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको यहाँ पे स्टार की जो यहाँ पे एंट्री फीस है वो यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे स्टार होंगे तो ही आप जो है यहाँ पे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार जो है वो यहाँ पे चाहिए होंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, अब ये जो यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पे मैं टैप करता हूँ। टैप करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने ऊपर यहाँ पे इसका जो प्राइस पूल है वो यहाँ पे बताया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो टोटल यहाँ पे जो स्टार का प्राइस पूल है वो यहाँ पे ऊपर देखने को मिलेगा। अब आपका यहाँ पे जो मिनिमम लेवल है वो यहाँ पे 3 जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। आपका जब यहाँ पे लेवल जो है वो यहाँ पे 3 होगा तो ही आप इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और उसके बाद इन्होंने जो यहाँ पे टाइम जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है, ये जो टूर्नामेंट चलेगा यहाँ पे 2.5 आवर तक यहाँ पे ये जो टूर्नामेंट है वो यहाँ पे चलेगा। और नीचे जो है यहाँ पे देख सकते हो टोटल यहाँ पे 1,50,000 जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो है आप देख सकते हो यहाँ पे जो री एंट्रीज हो रही है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, और आप जो यहाँ पे टोटल यहाँ पे फ्री में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे दोबारा से री एंट्री करना चाहोगे तो आपको यहाँ पे जो 10 स्टार होंगे वो यहाँ पे देने होंगे। अब यहाँ पे मैं ओपन के ऊपर टैप करता हूँ। ओपन के ऊपर टैप करने के बाद ये आप देख सकते हो अभी ये जो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किया है और अभी यहाँ पे मेरी जो यहाँ पे रैंकिंग मिल रही है वो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे ये जो कैंडल होगी वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब मैं आपको अपनी जो यहाँ पे दिखाता हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे जो ट्रेड है वो यहाँ पे की है तो वो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने अपनी यहाँ पे जो टोटल मुझे यहाँ पे 33 यहाँ पे जो ट्रेड है वो यहाँ पे मिली है तो वो मैंने यहाँ पे की है। और नीचे आप यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, आपने अपना जो यहाँ पे प्रॉफिट होगा वो आपने यहाँ पे 150 से 200 के बीच में आपने अपना जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे बुक करना है। अब आप देख सकते हो मैंने जो है यहाँ पे कितना प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे बुक किया है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 240 का, यहाँ पे 281, 208, 246 का, ठीक है। इस तरीके से अगर आप अपना जो है यहाँ पे 200 से या आप 150 से 200 के बीच में अगर आप अपना ये जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक करोगे
तो आप जो है यहाँ पे स्टार जो है वो यहाँ पे विन कर पाओगे। ये आप देख सकते हो, कुछ जो यहाँ पे मेरी ट्रेड है वो ये देख सकते हो, यहाँ पे लॉस भी हुआ है मुझे, लेकिन ज्यादा जो ट्रेड है वो यहाँ पे मैंने विन की है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे टोटल यहाँ पे 32 जो चांस होंगे वो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मिलेंगे एक टूर्नामेंट में, ठीक है। और अगर आपकी यहाँ पे जो रैंकिंग होगी वो यहाँ पे 3000 के अंदर अंदर जो है वो रहेगी, तो आपको यहाँ पे जो स्टार होंगे वो यहाँ पे मिलेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो यहाँ पे रैंकिंग दिखा रहा है, यहाँ पे मैं टैप करता हूँ, टैप करने के बाद ये आप देख सकते हो मेरी जो यहाँ पे रैंकिंग है वो है यहाँ पे 2704 जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी भी जो रैंकिंग होगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आपकी यहाँ पे ये ऊपर जो टाइमर चल रहा है, ठीक है, इस टाइमर में अगर आपकी जो रैंकिंग है वो 3000 के अंदर अंदर जो है वो रहेगी, तो आपको यहाँ पे जो स्टार होंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे। जब आपको यहाँ पे जो स्टार होंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और ये आप देख सकते हो अभी यहाँ पे मुझे 7 जो स्टार होंगे वो यहाँ पे मिलेंगे अगर मेरी जो है यहाँ पे ये वाली जो रैंकिंग है वो यहाँ पे रहती है, ठीक है। और आपने अपनी जो यहाँ पे देखो ट्रेड जो है वो यहाँ पे कैसे लगानी है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे टैप करके आपने अपनी जो अमाउंट होगी वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, कितनी अमाउंट जो है वो आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 50 के कर सकते हो, 20 के कर सकते हो, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से सेलेक्ट करने के बाद आपने देखो ट्रेड जो है वो इस तरीके से लगानी है कि जैसे ये जो आपको यहाँ पे कैंडल जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये जैसे ही नीचे आएगी तो आपने अपनी जो ट्रेड है वो यहाँ पे लगानी है, ठीक है। आपने वेट करना है, जैसे ये कैंडल जो है वो बिल्कुल नीचे आए तो फिर जाके आपने अपनी जो ट्रेड है वो यहाँ पे लगानी है। और जैसे ही आपको यहाँ पे 150 से 200 के बीच में आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिले तो आपने उसको बुक कर लेना है। तो इस तरीके से आपने अपनी जो ट्रेड होगी वो यहाँ पे लगानी है। इसी तरीके से ये देख सकते हो मैंने जो है अपनी जो यहाँ पे ज़्यादा जो ट्रेड है वो यहाँ पे विन की है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप इस तरीके से अपनी जो ट्रेड है वो यहाँ पे लगाओगे तो आप जो है यहाँ से विन करोगे। जब आपको यहाँ पे जो स्टार होंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे, और जैसे ही यहाँ पे ऊपर देख सकते हो ये जो टाइमर है वो यहाँ पे क्लोज होगा तो आपको यहाँ पे जो स्टार होंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे। और जब आपको यहाँ पे ये जो स्टार होंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे, तो उसके बाद देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ये जो यहाँ पे टूर्नामेंट नजर आ रहा है, ठीक है, बूम टोकन का, तो इसमें आप जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाओगे, आपको यहाँ पे जो स्टार होंगे वो यहाँ पे देने होंगे। जो आपकी यहाँ पे एंट्री फीस होगी वो आप जब आप यहाँ पे करोगे तो आप जो है यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। और इसमें भी आपने उसी तरीके से आपने अपनी जो ट्रेड होगी वो यहाँ पे करनी होगी, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो बूम टोकन होंगे वो यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप यहाँ से विन करोगे, आपके यहाँ पे जो रैंकिंग होगी वो यहाँ पे 3000 के अंदर होगी, तो आपको यहाँ पे जो बूम टोकन होंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे, वो आपको आपके वॉलेट में जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद आप जो है इन टोकन को यहाँ पे स्वैप करके अपना जो विड्रा होगा वो यहाँ पे कर पाओगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं ये जो टोकन है कब लिस्ट होगा। तो इस बारे में काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे पूछते हैं कि भाई इसकी जो लिस्टिंग है वो कब होगी। तो देखो ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में जो है वो बता चुका हूँ, अक्टूबर के एंड में या नवंबर में ये जो टोकन है एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो सकता है। लेकिन इन्होंने अपना ये जो टोकन है इसको पहले से ही यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने ये जो यहाँ पे प्राइस बताई हुई है कि हमारे यहाँ पे जो 1K टोकन है उनकी यहाँ पे जो प्राइस बनती है 10 USDT जो है वो यहाँ पे बनती है। तो एक तरीके से इन्होंने यहाँ पे अपना जो टोकन है वो पहले से ही यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, और उसकी इन्होंने यहाँ पे जो प्राइस है वो यहाँ पे बताई हुई है। बाकी अगर आप जो यहाँ पे वॉलेट के ऊपर टैप करके यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने इस टोकन की जो प्राइस है वो यहाँ पे बताई हुई है कि एक हमारा जो यहाँ पे बूम टोकन है उसकी जो यहाँ पे टोन में प्राइस बनती है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.001 जो है वो यहाँ पे ये बता रहा है। और इसी तरीके से अगर आप इसको USDT में यहाँ पे कन्वर्ट करोगे तो ये यहाँ पे $0.009 जो है वो यहाँ पे बनती है इसकी प्राइस। प्राइस जो है वो यहाँ पे फिक्स की हुई है, इस प्राइस पे हमारा जो टोकन है वो लिस्ट होगा। तो इसी तरीके से जब ये टोकन किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तो उसमें भी इसी प्राइस पे ये जो टोकन है वो लिस्ट होगा। बाद में हो सकता है इस टोकन की जो प्राइस है वो पंप हो सकती है, इसकी जो प्राइस है वो मजीद ऊपर जा सकती है। बाकी इन्होंने अपने टोकन की जो प्राइस है वो यहाँ पे फिक्स की हुई है, ये आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हो। तो टोकन जो है वो पहले से ही आप समझ सकते हो ये लिस्ट है। बाकी देखेंगे जब ये किसी एक्सचेंज पे अपना जो टोकन है वो लिस्ट करेंगे तो उसके बाद इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे मजीद ऊपर जा सकती है। बाकी देखो इस हवाले से इसकी जो भी अपडेट वगैरह होगी तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम में जो है वो बता दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है।